सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिकिया दिस कोचिंग फ्रेंड। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लॉज के टाइप्स की। हमने फर्स्ट वीडियो में बताया है क्लॉज और फ्रेज के डेफिनेशन, आप ज़रूर जाकर देखें उसको। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, नहीं तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आपको क्लॉज के टाइप्स इसमें आपको पता चलेंगे। क्लॉज के मेनली तीन टाइप्स होते हैं, एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज। सबसे पहले हम लोग नाउन क्लॉज को देखेंगे और नाउन क्लॉज को देखेंगे कि नाउन क्लॉज किस किस रूप में काम करता है, किस किस फॉर्मेट में। नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट काम करता है, एज एन ऑब्जेक्ट काम करता है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट काम करता है, और ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन की तरह भी काम करता है। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं जानते तो बेसिक ग्रामर में जाकर ज़रूर देखें, मैंने फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट बनाया है, उसमें आपको पता चलेगा सब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। तो मेनली हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि नाउन की तरह नाउन क्लॉज कैसे पहचानते हैं हम लोग। इट इज़ वेरी सिंपल। नाउन क्लॉज को हम लोग पहचानते हैं इस तरह से कि कोई भी क्लॉज कंजक्शन से शुरू होगा और फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आएगा, जैसा कि मेनली नॉर्मली होता है, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा। सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन होता है, बट क्लॉजेस में हम कंजक्शन सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कंजक्शन लग जाता है। अगर मैं कहूँ ही डज नॉट नो वाई शी इज क्राइम, वो नहीं जानता है कि वह क्यों रो रही है, तो ही डज नॉट नो एक सेंटेंस है और वाई शी इज क्राइम एक अलग सेंटेंस है, और कंजक्शन से लगा गया है ये सेंटेंस, इसलिए इसको क्लॉज बोलते हैं, नॉन क्लॉज। इसमें नॉन की बात हो रही है और कंजक्शन से स्टार्ट होगा सेंटेंस, जैसे वाई शी इज क्राइम, ठीक है। तो हम लोग कंजक्शन मेनली दैट भी लगा सकते हैं, वाई भी लगा सकते हैं, वेयर, हाउ, वैन, इस तरह कंजक्शन लगा के यूज़ कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट कंप्लीट अपने नाउन क्लॉज को, ठीक है। तो ये है आपका क्लॉज, डिपेंडेंट होते हैं दोनों क्लॉज एक दूसरे पर। नाउन क्लॉज के हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे, अब चलते हैं एग्जाम्पल उसी तरह, ठीक है। दिस इज अननोन टू ऑल वाई शी हैज़ गॉन फ्रॉम हाउस, वो अपने घर से क्यों चला गया ये कोई नहीं जानता है। तो यहाँ पे है दिस इज़ अननोन टू ऑल वाई शी हैज़ गॉन फ्रॉम हाउस, वाई शी हैज़ गॉन फ्रॉम हाउस, ये है एक क्लॉज है, नॉन क्लॉज। इस तरह से आप पहचान लोगे क्लॉज को। अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, थर्ड एग्जांपल की। आई डो नॉट नो वेयर यू हैव पुट माई शूज़, कि मुझे नहीं पता तुमने मेरे शूज़ कहाँ रखे हैं। आई डो नॉट नो एक अलग सेंटेंस है, और वेयर यू हैव पुट माई शूज़, तुमने मेरे जूते कहाँ रखे हैं। तो ये वेयर से क्लॉज यानी सेंटेंस से स्टार्ट हुआ है आपका कंजक्शन से, तो ये नाउन क्लॉज पूरे हो जाएंगे वेयर से लेकर पूरे, वेयर यू हैव पुट माई शूज़, ये पूरा क्लॉज बन जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, इस तरह से आप सेंटेंस को मिलाकर बना सकते हो और कंजक्शन स्टार्ट करके बना सकते हो फ्रेंड्स। और एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो है आपका, जैसे मैं कहूँ डू यू नो वेयर इज़ माई शूज़, और फाइव एग्जाम्पल हम लास्ट देख लेते हैं आप लोग का। जैसे ये कहूँ कि शी डज़ नॉट नो वाई शी इज़ कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मुझे नहीं पता उसे कि वो दिल्ली से क्यों आ रही है। वाई शी इज़ कमिंग फ्रॉम दिल्ली, ये क्लॉज आपका है नॉन क्लॉज। आई होप आपको क्लॉज समझ में आया होगा कि नॉन क्लॉज कैसे बनाते हैं। हमें क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करना होता है जो कि कंजक्शन का काम करते हैं। आई होप आपको क्लॉज समझ में आया होगा कि नॉन क्लॉज कैसे बनाते हैं। हमें क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करना होता है जो कि कंजक्शन का काम करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे और एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज को।